भगवान सहस्त्रबाहु का चौक, चौक पर उनकी विशाल प्रतिमा, भगवान सहस्त्रबाहु का द्वार और समाज के स्वयं का भवन। आज इसका भूमि पूजन हुआ है और भविष्य में भवन हमारे सामने दिखाई देगा। तो ऐसा कंप्लीट पैकेज एक नगर में जहाँ कुछ है तो बालाघाट है। यह देश विदेश के और प्रदेश में जहाँ भी हमारा कलार समाज है उसके लिए एक प्रेरणा और आदर्श का विषय है कि वे भी कलार समाज बालाघाट से कुछ सीख लें और अपने अपने गांव, नगर, कस्बे, शहर में जैसी उनकी सामर्थ्य हो वैसा भगवान सहस्त्रबाहु के नाम से प्रचार प्रसार और उनकी महिमा को बढ़ाने का कार्य करें। साथ में ही मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके नगर में भगवान सहस्त्रबाहु का मंदिर बन चुका है, भगवान सहस्त्रबाहु की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। नित्य प्रतिदिन जो यहां सेवक होंगे वे तो सेवा करेंगे ही, किंतु आपका भी एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य और बढ़ गया है। अब हमने भगवान को बैठा कर के यहाँ खाना पूर्ति तो नहीं करनी है कि फॉर्मेलिटी निभा दी, भगवान को विराजित कर दिया और जो पुजारी या सेवक रहेगा वो कुछ करते रहेगा और हम लोग साल में एक आध बार यहाँ आएंगे। अब आप सभी को यह संकल्प लेना है कि आप सभी को प्रतिदिन सुबह या शाम केवल भगवान के दर्शन करने आना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस जाने से पहले, अगर आप दुकान व्यापार व्यवसाय करते हैं तो दुकान जाने से पहले घर से निकलते ही पहले अपनी गाड़ी उठा करके लिए 2 मिनट के लिए केवल भगवान सहस्त्रबाहु के दरबार में हाजिर लगाना है, उनके दर्शन करना, प्रणाम करना है, प्रतिष्ठा करके उनसे प्रार्थना करके